सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज आप चले हैं ऑफ रोड ट्रैक मुलांपुर चंडीगढ़ के कोल है। अज अपने नाल अमन बाई की ब्लैक सफारी ते डॉक्टर संकल्प हैं डेंटिस्ट, उन्हां दी हैगी पजैरो SFX। अमन ने BF गुडरिच टायर पाया तो मेरे मैक्सिस 980। चलो देख दो दोनों सफारी किदा परफॉर्म करते हैं स्लश च, तो अज विंच का प्रॉपर यूज़ होगा, सो लैट्स गो फॉर इट। ओके, सो एंट्री टू द ट्रेल। नवे टायर्स हैं BF गुडरिच, वो यूज़ करके देख रहे हैं। स्टॉक साइज ही है 235/70/16। पजारो आज हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बस ठीक है, सीधी थोड़ा मेरे वाल, बस सीधी सीधी सीधी, यस इजी, थोड़ा राइट थोड़ा राइट, बस जान दो। हाँ नाइस, हुण मित्रां दी सफारी दी वारी। रिकवरी करूगा अमन और, क्योंकि थोड़ा भी मोमेंटम लॉस किया सीगा, बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस घट है, थोड़ा 2 इंच लिफ्ट चाहिए है पजारो नो, स्टॉक साइज है। चलो हम रिकवरी टाइम आ गया। आइए पजारो स्टक कर गई है पहली बारी जी, इतनी पावरफुल गड्डी बंदे स्टक कर गई, शायद कर जाना चाहिए काम। नहीं फोर लो पाया, नहीं सुनो फोर लो है, फोर लो सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड, हाँ सेकंड में डालो। सो भाई दा पहला पहला एक्सपीरियंस है अज, वो भी ट्रेल औखी है इस करके औखा हो रहा थोड़ा। क्यों देखो बॉटम ते गड्डी आ गई चैसी ते, इस करके निकलनी नहीं हैगी, जेडे नवे ऑफ रोडर उन्होंने लिए ध्यान देना जरूरी है। एंड चलो मेरी गड्डी तो पिछे है, हुण अपनी दूजी सफारी ये कड़ूगी डाइकॉर। स्ट्रैप 15 फुट है, बहुत छोटा है, हमेशा 25 फुट का स्ट्रैप लो जिसकी कपैसिटी घट्टो घट 8 टन होवे, इसकी कपैसिटी अच्छी है 15 टन की कपैसिटी है, बट स्ट्रैप इज़ टू शॉर्ट। चलो लेट्स सी, आराम नाल निकल जानी चाहिए है, ना निकली तो फिर मैनू जोर लाना पैना। चलो जी फोर लो फर्स्ट, फोर लो सेकंड, पिछे ले गया पहला झटका दो एक, चलो 1 2 3। हाँ हाँ हो गया, एक बारी होर पिछे करो, क्या एक झटका होर निकल जूगी। ठीक है टो स्टैप का ही फायदा होंगे, इलास्टिक होंगे ना, बीरे की गड्डी आऊगी थोड़ी नवी निकल जाए। सो इतने बजैरो फसी जी, आ देखो चैसी दी आ गई ना गड्डी इस पॉइंट से, एंड बाकी पिछे भी है, तो ये डीप रट है, ये चाहिए होंगे अपना मोमेंटम। फोर लो सेकंड गियर, टीचर था ही नहीं पिछली बार, पिछली बार रूट साफ था, मैं तो सोच रहा हूँ आगे आगे पता नहीं क्या फोन है। हाँ जी मेन तो शुरू हो गया, अब शुरू होगा। सो दिस इज बिगनिंग ऑफ द ट्रेल, ओ जा रही अपनी, इतों एंट्री है जी, आह नदी है जयंती डैम तो शुरू होंगी है, अज मीह नहीं पैना इस करके माइल्डली सेफ ही है अजे। सो ड्यू टू मानसून सीजन है, नदी सारी डैम्प है। द बेसिक थिंग इज़ एक तो तिना गड्डिया आपस गैप रखना, सैकेंड थिंग मोमेंटम नहीं तोड़ना, जिते मोमेंटम तोड़िया गड्डी गड्डी नाल दी नाल उत्थे फस जूगी,
एंड थर्डली ये है कि भी एक दूजे की विजिबिलिटी रहना जरूरी है। अज लीड कर रहे हैं अमन भाई विद न्यू बी एफ गुडरिच टायर्स, सो मोमेंटम इज़ द की, फोर लो सेकेंड। चलो नाइस, ठीक है, आराम ना तो नहीं बट जोर लग रहा गड्डी दा। असि ये ट्रैक ते चलना ही है, असि नवा ट्रैक ना देनी पैनी सानू। छेड़ी ना बिल्कुल भी, अगला अगला टायर तो पूरा थले डुबा पिया। ओके, सो मेरी गड्डी दे 1.5 लाख किलोमीटर अज ऑफ रोड ट्रेल ते पूरे होए हैं, तो मैं ट्रेल च एंटर करन चलिया एंड एंट्री करते सार ही अमन भाई की सफारी रिकवर करनी है। सो ये डैम ट्रेल अज बहुत ज़्यादा एंड अगे देखो कंप्लीटली गड्डी फस चुकी है, हूँ विंच दे नाल ही निकलूगी गड्डी। गड्डी दे ना टायर वॉश हो गए गंदे सी, साढ़े ही फसन गए इत्थे। चल रिकवरी करते हूँ, इतनी डीप स्लश है यार, जिवें आप भी ट्राई करेंगे आप कर लेंगे गड्डी, ये तो रिकवर हो जूगी गड्डी, का कोई इशू नहीं है। अगे भी रिकवर करनी पड़नी सर, है की समझ सोच के तुसी गड्डी फसाई इतने? बस मैं हेलो वहां पे लगाओ इसको, तो बस ऐसे ही करना है, खोलने की जरूरत नहीं है, आ भी रखा करो क्लैंप जे ना, ठीक है 25 फुट है ना, ता फायदा 25 फुट का, 15 फुट का फायदा नहीं है ना। हेलो मैं दस कहाँ फसाई, टो स्ट्रैप बारे इंपोर्टेंस, एक तो डी शैकल होंगे जी, डी शैकल देते आ क्लैंप जहाँ होंगे, मैं हरेक टो स्ट्रैप चाहती रखता, एक टो स्ट्रैप 25 फुट का 15 टन कपैसिटी मेरी गड्डी पे बैकअप से, तो सेम टो स्ट्रैप एक बार मैं वीडियो पाई से ना जेसीबी ने मेरी गड्डी चक के कड़ी सी 200 मीटर, वही टो स्ट्रैप से कड़ी सी, सो 15 टन की कपैसिटी होने करके इलास्टिसिटी होने करके सेफ चीज़ है वो। देखो हूँ टो स्ट्रैप उत्थे क्लैंप हो जूगा एंड फिर मेरी गड्डी दे क्लैंप होगा, फिर देखते रिकवरी होंगी है कि नहीं, वो भी सेकेंडरी चीज़ है, नहीं तो फिर विंच तो एंड पार्ट ही है। देखो ऑफ रोडिंग आना मतलब गंदे होने, मैं तो ही उदा जुत्ते कपड़े पा के आना सर, बस आ देखो तुसी कुछ नहीं करना, क्लैंप है जस्ट ऐ क्लैंप मारना उधर छड़ो इस सिलेंसर थले, हाँ 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 यू हैव टू गो, नहीं लोड़ नहीं लोड़ नहीं, ये इजी है बस। ओके जी सो मैं पाना है 4 लो रिवर्स पिछो जो जॉनी उपर, सो हमेशा ध्यान रखो पहला सारे बाहर कड़ो, चलो Thank you.
वन टू थ्री चले आ टो स्टेप कट दें क्या बात है क्या बात है वाह भरपूर कंटेंट मिल गया क्या बात है चलो गड्डी धोती गई यार चलो भाई ओके okay, वैसे चलो टफ सी की निकल गई चलो ये भी सेफ निकल गई गड्डी ए भाई चंडीगढ़ का कॉमन प्लेइंग एरिया सारे ऑफ रोडर इतने आने आ देख लो थारा ही थारा रूबी कोना भाई हूँ लगे ने हूँ रिकवरी से ये साड़ी हूँ इतने थार फसी हुई सर ये बिच ना कोई फट जाए हूँ या तो उत्थे खड़ो या उत्थे दूर खड़ो
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਗੱਡੀ ਆਖੋ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ ओके जी सो अज की तीजी रिकवरी कर रहे आप विंच ना सैकेंड रिकवरी है लॉकर लुकर कोई काम नहीं आते भाई ना जी ना कुछ नहीं काम आता तो लगता होना कि थार लेंदे तो शायद कुछ हो जाता कुछ नहीं फायदा होता थार थूर का बंदा मैटर करता जिमनियाँ निकल गया सोचो रो एक बार पहले पिछे रुको रुको पहले पिछे खिंच के बहुत मोमेंटम खिंच दो एक बार ओ उत्थे जाके रोकनी गड्डी फिर वो दरख्त को पिछे जान दो पिछे जान दो देखो जाती है स्पीड दे दो पूरी बस स्पीड की कहानी है बस कोई चक्कर ही नहीं होंगे असी बहुत बुरे फसे से एक बार ना जिंदगी फिर उस विंच पक्की रखी है अगे मिलते हैं आप हाँ मिलेंगे थोड़ी गड्डी फसूगी कितना कितने ऑटोमैटिक है ना मैनुअल है सैकेंड रखियो फोर लो सैकेंड जिते गेयर चेंज किया गड्डी फस गई हाँ हाँ विंच जरूरी है छे टन तक मतलब लोड़ नहीं ढाई टन मैक्सीम थोड़ी दो टन है गड्डी आ ढाई टन है ये भी ढाई टन है ये दिस इज सिंथेटिक वाटरप्रूफ विंच 48 दी लवा लवा के 50-52 पै जाता बट जिदने बचाती है ना सारे पैसे पूरे कर दी है असी फसे से एक नदी च अज तो सिसवा को जे सी भी मंगाया हाँ 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 करिए विंच की मेहनत अपनी है कर मैं साफ भी करनी खोल के धोनी होंगी ना बाल्टी पानी है पजेरो वंस अगेन इस बार रिकवरी कर गया अमन विद टो स्ट्रैप मौका दिता जाना अमन गुड प्रैक्टिस सैशन है धूड़ा पट दी सफारी डायकोर इंजन के नाल इन टो स्ट्रैप लाने हम आप टो स्ट्रैप ना कटते हुए चलो खिंचो ना ना इन्ना जोर ना लाओ उन्हें बोलो सही पहला रुको फोर लो सैकेंड फोर लो फर्स्ट चलो खिंचो पिछे 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 कड्डो क्यों ना निकले गाड़ी भाई फारी फस गई तो अपनी आ गाड़ी फस चुकी है हूँ आई थिंक फिर विंच का काम है ना जी आंदी गाड़ी जी चैसी तो आज फिर निकलती नहीं होंगी हाँ दोनों फस चुकी संकल्प सर अगर आज ना तो मजा ना ये मजा नहीं आने का होगा जाके दो दूसरे भी लेके मरे आगे वाले को तीन गाड़ियां जो बड़ी बचाओ तो ऐसी पहले क्यों नहीं तफरी करके कट रहे और रीजन क्यों ना वो निकलती नहीं ना और मैंने मोटर हेल्प कर दिया अच्छा जब्बा ओके भाई हम दोनों गड्डी फस चुके हैं सफारी तो पजारो एंड देर इज नो वे आउट क्योंकि सैंड है गड्डिया चैसी से आ गई तो मैं ट्राई कर रहा भी दोनों गड्डियों बिंच से एक बार हल्का हल्का खिंचना फिर उसका स्टैप कटा फिर एक ही करके खिंचा तो लेट्स सी मंडी
ना मान तेरी दब रही है। तो फिर जिन्हें भी ऑफ रोड करना ना, एक तो विंच है वो भी सिंथेटिक वाटरप्रूफ है, तो एक 2 इंच लिफ्ट तो वधिया ऑफ रोड टायर जमी दे है, ये सारा रखना जरूरी है। उस तो बिना कदे ऑफ रोड करी ना। किन्निया करनी रिकवरी है? 4 बाकी देखते हैं होर की लोड़ ना पवे। ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਆਹ ਦੇਖ।